मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत। रोजगार को लेकर छात्रों के बीच आज राजधानी रांची में आयोजित परिचर्चा में भाग लेने पहुंचे विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा है कि छात्रों को रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि स्वरोजगार पर भी भरोसा रखना चाहिए। इस मौके पर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। मिल गया तो नौकरी एकदम 100% होगी। अब तो एमए डबल एमए कर ले कुछ नहीं होने वाला। महान सम्राट समुद्रगुप्त ने पूरे एशिया को जिस तरह से अब जी धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे। हम भारत के गांव को जानते हैं, भारत के शहर को जानते हैं जहां हम रहते हैं। बेरोजगार बहुत राजमिस्त्री हमारा नहीं मिलेगा कहीं पर भी। यहाँ से खटने के लिए कंपनी में खटने के लिए बेंगलोर चला जाएगा, लेकिन अपने जमीन उसके बाद भी कंपटीशन फेस करिए, उसमें भी पास करते हैं तब आपको नौकरियां मिलेगी। तब आपको नौकरियां मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। इतने 50,000 रुपया कमा रहा कहीं यहाँ करके अगर कहें तो बांग्लादेश से आकर के यहाँ ठेला लगा रहा है और यहाँ घर द्वार सब खरीद करके यहाँ कर रहे हैं। अब धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे। हम एक अच्छी परिचर्चा यहाँ चुन्नू मिश्रा जी ने रखवाया है छात्र संघ के बैनर तले। समाज को जागरूक होना ही चाहिए और समाज को चर्चा करना ही चाहिए और समाज के सभी वर्ग जो जिस चीज़ से प्रभावित होते हैं उनका तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा और उनका मत मंतव्य आना ही चाहिए। आज युवाओं के साथ एक छोटा ही परिचर्चा लेकिन अच्छे विषय के साथ परिचर्चा हुआ कि भाई जो हमारी सामाजिक स्थिति है उसमें जो आज अपना जो शिक्षा का नीति और उसके साथ रोजगार कैसे मिल सकता है इसको देखना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति से हमने ग्रेजुएट तो बहुत बनाए, पोस्ट ग्रेजुएट तो बहुत बनाए, लेकिन उसके साथ ही एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा फौज भी हम लोगों ने खड़ा किया। सरकारी गैर सरकारी जो सैलरी बेस्ड नौकरी है उसका एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता कुल आबादी का, कहीं भी रहते हैं। बाकी 90% आबादी किस तरह से जीवन यापन करती है इसके लिए भारत को और भारत के गाँव को और भारत के समाज को समझना बहुत ज़रूरी है जो कैसे एक्ट करता है। एक हम लोगों ने जो एक नैरेटिव बना के रखा है कि जो पढ़ लिख करके नौकरियां प्राप्त कर ले उसमें भी सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ले वही जीवन में सफल है। अगर कोई यदि लाखों रुपया कमाता है और वह यदि सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसके लिए सम्मान का भाव समाज नहीं देता है। तो समाज में भी इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जीवन की सफलता का मानदंड क्या है, मापदंड क्या है। अगर कोई ये सफल है पढ़ करके भी 10,000-20,000 की सरकारी नौकरी कर रहा है और 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है और कोई स्वतंत्र रूप से बिना किसी के नौकरी किए हुए अपने लिए रोजगार ढूंढ करके करोड़ों रुपया कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, उसके साथ उसकी तुलना में समाज का जो भाव रहता है उसके अंतर को पाटने का भी ज़रूरत है। और कुल मिलाकर के जो सरकारी नौकरियां हैं वो मिले और उसमें फ्री एंड फेयर व्यवस्थाएँ हो, जो योग्यतावान क्षमतावान लोग हो उनको नौकरियाँ मिल जाए, ऐसा एक माहौल सरकार को देना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा PGT की परीक्षा, हम लोगों ने बार बार कहा कि PGT में धांधलियाँ हुई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही इसकी नियुक्ति निकलनी चाहिए। हम लोगों ने सारे तथ्य भी दिए और आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो योगेंद्र मुख बघिर कैटेगरी में जा करके नौकरी प्राप्त किया था, जो नियुक्ति प्राप्त किया था, आज उसके सर्टिफिकेट को लोगों ने खारिज किया, जो जाँच बैठी दबाव में हम लोगों का। ये सारी परीक्षाओं में भी यही है, जाँच होगा तो ये सारी चीज़ें आएँगी। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकार नहीं कर सकती है, पहले भी SIT जांच के लिए उन्होंने लिखा है, पहले भी वो केस दर्ज किए हैं, CBI की जांच होनी चाहिए ताकि युवाओं को निराशा ना हो,
जो क्षमतावान युवा है, योग्यतावान युवा है, उनको नौकरियाँ मिले और जो बाकी युवा जिसके तहत नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं उसको ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जाए, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, उनका शिक्षण पूर्ण होते ही रोजगार भी उनका सृजित हो जाए। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।